बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के 9 अधिकारी सस्पेंड, ट्रांसफर होने के बाद भी नई जगह पर ज्वाइन न करने पर कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों प्राधिकरण के मलाईदार पद का मोह न छोड़ना पड़ा महंगा। और साथ ही प्रमुख सचिव अनिल सागर ने जारी किया सस्पेंशन आदेश, अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। प्रबंधक विजय कुमार वाजपेयी को निलंबित किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 अधिकारी सस्पेंड करने का ये मामला है। बता दें कि ट्रांसफर होने के बाद भी नई जगह पर ज्वाइन न करने पर कार्रवाई की गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के 9 अधिकारी सस्पेंड, ट्रांसफर होने के बाद भी नई जगह पर ज्वाइन न करने पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के 9 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, ट्रांसफर होने के बाद भी नई जगह पर ज्वाइन न करने पर यह कार्रवाई की गई। तीनों प्राधिकरण के मलाईदार पद का मोह न छोड़ना महंगा पड़ गया है। मुख्य सचिव अनिल सागर ने जारी किया सस्पेंशन आदेश। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ शिव त्यागी जुड़ चुके हैं। शिव त्यागी, 9 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं और ऐसे में क्या कोई बड़ी वजह है जिस पर ये कार्रवाई हुई है कि 9 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ गया? देखिए, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने समीक्षा बैठक कुछ समय पहले की थी और समीक्षा बैठक में ये कहा था कि जो अधिकारी या कर्मचारी हैं जो कि ट्रांसफर होने के बाद भी यहाँ जमे हुए हैं, उन सभी को जो दूसरे पद पर जहाँ पे उनको ट्रांसफर हुआ है वहाँ जाएं। उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। यहाँ पे सभी जो अधिकारी थे उनकी सूची बनाई गई, सूची बनाने के बाद उनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि पिछले काफी समय, लंबे समय से इनका ट्रांसफर होने के बाद भी दूसरी जगह पर जाके इन लोगों ने आमद नहीं करवाई, जिसकी वजह से ये फैसला जो है शासन की तरफ से लिया गया है। फिलहाल तमाम जो प्राधिकरण है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, सभी सभी जगह पर हड़कंप की स्थिति है और कई अधिकारी हैं जिनकी जांच भी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी शिव त्यागी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।